नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। जालौन के एट थाना क्षेत्र के बैरागढ़ धाम मंदिर परिसर में मंगलवार को नवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर शांति कमेटी की अहम बैठक सीओ कोच अर्चना सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में बैठे लोग संबोधित करते हुए बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीओ ने कहा कि सभी को आगामी शरदी नवरात्र और दशहरा के पर्व को शांतिपूर्ण आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। वहीं संत शारदा शरण महाराज ने बताया कि मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व पर काफी संख्या में भक्तों का आना जाना रहता है। इसको देखते हुए हम सभी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शारदीय नवरात्रि पर्व पर किसी भी भक्त को परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान बैरागढ़ धाम के महंत शारदा शरण द्विवेदी पिताजी महाराज पुजारी श्याम जी महाराज, कल्लू महाराज, वरिष्ठ पत्रकार रविकांत द्विवेदी, कोच मनोज द्विवेदी, दिरावटी लोकेश पटेरिया मिटा, अक्कू महाराज भिटारा, पिंकू यादव, राज अग्रवाल, रोहित सोनी सहित कई लोग मौजूद हैं। महंत जी से आज इस संबंध में मीटिंग रखी गई थी कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था व कितनी भीड़ आती है। परसों से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो विशेष तौर से ये बहुत सिद्ध पीठ है, इसलिए यहाँ देखना जरूरी भी था। और महंत जी ने जैसा बताया कि अभी तक ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो भीड़ आती है, महंत जी ने बताया कि सुबह भी बहुत भीड़ आती है, शाम को बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। बाकी अष्टमी नवमी को ज्यादा भीड़ होती है, उसको देखते हुए जो फोर्स हमें यहाँ लगा दिया है, हम लोगों ने पीएसी भी लगाई है और अच्छे से हम नवरात्रि का त्यौहार बढ़िया मनाएंगे। यहाँ पर आके मैं खुद भी आऊंगी।